आई एम एट फॉल्ट, योर एल्डर्स आर एट फॉल्ट। आप लोगों को तो पैसे का लफ्ज मैंने सिखाया है, उसकी तको दो पे लाना तो बहुत मेहनत करके मैं आपको उस ट्रैक पे लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको पैसे का पुजारी बनाता हूँ। ऐसे नहीं पैसे की पूजा आपने शुरू की, आपने वो मंदिर देखा है, वो बुत मेरे घर पे देखा है, आपने वो खुशू और खुजू दोनों देखे हैं मेरे उस बुत को सजदा करने में। ऐसे नहीं मेरे बच्चे पैसे की तरफ गए। यू हैव सीन माई आईज लाइट अप, ऐसे चमक है मेरी आंखों में जब मैंने बड़ी गाड़ी देखी है। तो मेरे बेटे और मेरी बेटियों ने उस गाड़ी के ऊपर पूजा की। आपने मेरी वो हसरत देखी है, अल्लाह की कसम देखी है आपने, जिसको पूरा करने के लिए आपने वादे किए अपने साथ कि मैं ये मंजिल पूरी करूंगा। तो कसूर मेरा है, किसी शक में मत रहिएगा। मैंने आदम अलैहिस्सलाम का मकसद बदला आपके आगे, कुरान की किताब नाजिल की कि इसलिए जा रहा है तू, और मैंने कहा नहीं इसलिए नहीं, मैं किसी और नहीं, अपने बच्चों को किसी और ट्रैक पर डालूं। एक चीज जिसका अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कहा था, सिर्फ इस चीज की फिक्र ना करी, क्या पैसे, ये सिर्फ मेरी तरफ से है, ये गिफ्ट है तुझे, तू जो मर्जी कर ले तुझे नहीं मिलेगा अगर मैंने नहीं कहा, और तू जो मर्जी ना कर तुझे मिलेगा अगर मैंने कह दिया। अल्लाह ताला ने ये वादा किया और हमने उस वादे को साइड पे किया, और इसका मतलब पता क्या है, रिस्क का वादा करने की नफसियात समझ ले, ये वाहिद किताब है जो रिस्क का वादा करती है। इसका मतलब है कि बड़े काम कर, ये काम तेरा है ही नहीं, ये नफसियात हमें नहीं दिखी। आप अगर बड़े कामों में आ जाए और आदम के मिशन को, वाकई में अलैहिस्सलाम के मिशन को लेके चलते, अल्लाह ताला ने आपको ट्रिलियनर बनाना था, मिलियनर बिलियनर नहीं, क्योंकि उस मकसद पे फिर फौकहिम व तहतहिम के वादे अल्लाह ने किए।